अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको गूगल क्रोम के रिलेटेड कुछ ऐसी अमेजिंग टिप्स बताऊंगा जो आपके डेली लाइफ में काफ़ी यूजफुल होंगी। इसके अलावा मैं आपको एक बोनस टिप भी बताऊंगा, तो बगैर वीडियो को स्किप किए इस वीडियो में बने रहिए। टिप नंबर वन, जब भी आप गूगल पर किसी वेबसाइट को सर्च करते हैं या ओपन करते हैं तो कुछ ऐसी वेबसाइट भी होती हैं जो आपके डिवाइस के लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकती हैं। इन वेबसाइट में अक्सर वायरस या मालवेयर होने का डर होता है। इसकी ट्रिक की मदद से आप ये पता लगा सकते हो कि ये वेबसाइट आपके लिए सिक्योर है या नहीं। इसके लिए आपको गूगल क्रोम को ओपन कर लेना। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद किसी भी वेबसाइट को सर्च करके उसे ओपन कर लेना। उसके बाद ऊपर आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद इधर देखें आई बटन है जो ऊपर सर्कल में है, इसको क्लिक कर लेना। देखें यहाँ पर लिखा होगा कनेक्शन इज़ सिक्योर। यहाँ पर अगर वेबसाइट में किसी किस्म की गड़बड़ हो तो यहाँ पर कनेक्शन इज़ नॉट सिक्योर लिखा आएगा। टिप नंबर टू, इसमें जब भी आप किसी वेबसाइट या पेज को ओपन करते हैं तो अगर आपको वो पेज या वेबसाइट अच्छी लगती है या किसी और वजह से आप अपने किसी दोस्त को भी वो पेज या वेबसाइट भेजना चाह रहे हैं, उस वेबसाइट को ओपन कर लेना जिसको आप शेयर करना चाहते हैं। उसके बाद आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है ऊपर। उसके बाद इधर शेयर पर ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक लिंक भी जनरेट करके दी जा रही है जिसको आप कॉपी करके भी आप शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा इधर आप मैसेजिंग में या व्हाट्सएप पर भी इसको लिंक को भेज सकते हैं। इनके अलावा एक यहाँ पर आपको एक क्यूआर कोड दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसका आप स्क्रीनशॉट भेजकर इसको स्कैन करके भी डायरेक्ट इस लिंक में एंटर हो सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप, अक्सर आपने भी कभी ना कभी कोई ऐसी वेबसाइट को सर्च किया होगा जिसमें आप जो चीज़ ढूंढ रहे होते हो वो आपको मिलने के बजाय वेबसाइट आपको डिफरेंट तरह की वेरिफिकेशन करा के घुमाती रहती है। इसके बावजूद भी आप अपने मकसद की उस चीज़ को फाइंड नहीं कर पाते। इस ट्रिक की मदद से आप ये पता लगा सकते हो कि ये वेबसाइट क्या वाकई में आपके लिए ओरिजिनल है या नहीं। इसके लिए आप किसी भी वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ऊपर थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे सेटिंग ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर प्राइवेसी एंड सेफ्टी सिक्योरिटी के नीचे सेफ्टी चेक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद चेक नाउ पर कर देना है। तो यहाँ पर देखें तीसरे नंबर पर सेव ब्राउजिंग लिखा आ रहा है। अगर यहाँ पर वेबसाइट में किसी तरह का स्पैम हो तो यहाँ पर ब्राउजिंग इज नॉट सेव लिखाएगा। इसके अलावा ऊपर पासवर्ड में अगर डेंजर का साइन आए तो इसका मतलब है कि आपने लास्ट टाइम पासवर्ड को रॉन्ग एंटर किया है, जिसकी वजह से यहाँ पर एरर दिखाई देता है। टिप नंबर फोर, अगर आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो अगर वो वेबसाइट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहते हैं कि उसका अलहदा से एक ऑप्शन या फोल्डर क्रिएट हो जाए जिस पर आप एक सिंगल क्लिक करने से उस वेबसाइट के अंदर एंटर हो जाएं, तो उसके लिए आपको सिंपली थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है। थ्री डॉट्स पर क्लिक करने के बाद इधर आपको ऐड टू होम स्क्रीन का ऑप्शन नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको इधर ऐड पर क्लिक करना है। ऐड पर क्लिक करने के बाद ऐड ऑटोमेटिकली, इससे क्या होगा कि आपके होम स्क्रीन पर यह टैब जनरेट हो जाएगी। इस आइकन की मदद से आपको हर बार उस वेबसाइट को सर्च करके उसे ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस पर आप जब सिंपली सिंगल क्लिक करेंगे तो सीधा इसके अंदर एंटर हो जाएंगे। तो अब आते हैं बोनस टिप की तरफ। इस टिप की मदद से आप अपनी एज को दिनों, घंटों और यहाँ तक के मिनटों और सेकंडों में भी देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको गूगल क्रोम में आ जाना है। गूगल क्रोम में आने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है एज कैलकुलेटर। उसके बाद फर्स्ट जो लिंक आएगी उस पर क्लिक कर लेना। उस लिंक में एंटर होने के बाद आपको डेट ऑफ अपनी बर्थ डालनी है। यहाँ पर मैं कोई भी जैसे अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर कैलकुलेटर पर क्लिक कर देना है। इस पर देखें यहाँ पर मुझे 21 इयर्स, उसके बाद मंथ्स, वीक्स और यहाँ पर डेज, हावर्स, मिनट्स और यहाँ तक के सेकंड भी दिखाई दे रहे हैं कि अब तक मेरी एज कितनी होगी। तो ऐसी मोर इंटरेस्टिंग टिप्स एंड ट्रिक्स और टेक वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का नोटिफिकेशन दबा लें ताकि आपको आगे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।